जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से। देखिए ना हालत बना रखी मेरे पिल्लू ने, और ये सब बस जितने जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आ गई नील से जुदाई की घड़ी। अपने ससुराल से विदाई की घड़ी। दुनिया के सामने रुसवाई की घड़ी। इस बात से पड़ता है अनन्या कि जो सबका सहारा बनता था आज वो किसी और के सहारे खड़ा है और जी हाँ, ना चाहते हुए भी अवनी को नील से जुदा होना पड़ रहा है, क्योंकि अवनी अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सकी। अपनी अग्नि परीक्षा में वो फेल जो हो गई। आज मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ पे अपने आप को मैं और सफाई नहीं देना चाहती, अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहती कि मैं सही हूँ। आई थिंक एक लड़की के लिए उसकी कहना ही काफ़ी होना चाहिए कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब वो कोई नहीं सुनता तो उसको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। अब अपनी अकेली रहेगी, ऐसा उसने डिसाइड किया है। देखो भाई, देखो कौन आया है। आनंद की मैं जानाई है। मतलब देर में आई तो जाहिर सी बात है। जी हाँ, बेबे चाहती थी कि अपनी सबूत लाए और ये साबित करें कि अली के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए अपनी भगवान के सामने बेबे से ये बोलकर भी गई थी कि वो रात तक अपनी बेगुनाही का सबूत लाकर देंगी, लेकिन आखिर में अपनी को मायूस होना पड़ा। मैं खाली हाथ आ गई, बोल के तो बड़ा अच्छे से गई थी कि मैं लेकर आऊंगी सबूत आज रात 12 बजे से पहले, बट कुछ हाथ में लगा नहीं, सो अपनी को खाली हाथ आना पड़ा। तो बस पर वो डिसीजन लेके आई है, विच इज गुड, उसके दिमाग में आ तो गई, इतनी अच्छी बात। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। और इस पर आग में घी डालने का काम किया नील के इस शराबी अवतार ने। अवनी के गम में नील शराब पीकर रिया के साथ घर पहुंचा। फिर क्या था, नील की माँ तो अवनी पर टूट पड़ी। अपने बेटे की इस हालत का जिम्मेदार सरेआम अवनी को ठहराया गया। और तो और आज बेबे ने भी अवनी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सबूत लेकर नहीं आई। फिर क्या था, आंखों में आंसू लिए अवनी ने घर छोड़ने का फैसला लिया। बेबे बोलती है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ऐसी लोगों की ताने नहीं सुननी चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने आप को प्रूव करो, अपना स्टैंड लो, ये बात। नील के पापा ने आज अवनी को रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद अवनी अब और कहां रुकने वाली थी। तो अब देखना यह है कि अवनी और नील कब तक इस गलतफहमी के चलते दूर रहते हैं। मुंबई से नुपुर माउची के साथ आज तक ब्यूरो।